भाई ये है हीरो कंपनी का सुपर स्प्लेंडर BS6 F5 वाली बाइक। इस बाइक में एक बार समस्या आई थी, बैटरी लो हो गई थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगा। फिर ये शोरूम गए, शोरूम में कंप्लेन किया और बैटरी इसका रख लिया। उन्होंने कहा इसको रिप्लेस के लिए आपको कम से कम 10 से 12 दिन या फिर 20 दिन तक लग सकता है। तो इन्होंने बैटरी रिप्लेस के लिए शोरूम में जमा कर दिया और इन्होंने फिर ये दूसरा बैटरी खरीद के अमरोन का इसमें लगा दिया, अमरोन का बैटरी इसमें लगा दिया और फिर वही हाल बनी। इसके बाद भी अब भी मतलब ये गाड़ी क्या है कि चलते चलते इसकी जो बैटरी है वो लो हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं हीरो की या फिर किसी भी कंपनी का BS6 जिसमें FI वाली सिस्टम होती है, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन या फिर टोटल बॉडी ये सब सिस्टम होता है, तो उसके लिए बैटरी चार्ज होना अनिवार्य है। बैटरी अगर चार्ज नहीं रहता तो गाड़ी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी की मदद से ही पेट्रोल की सप्लाई होता है, टंकी में मोटर होता है। जब बैटरी सही रहेगा, चार्ज रहेगा, स्विच ऑन करेंगे तो मोटर चलेगी और उसके जरिए से फिर पेट्रोल नीचे इंजेक्टर तक पेट्रोल सप्लाई होगा, तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। तो हमारे पास जैसे ही हमारे पास आए तो मैंने देखा इसकी बैटरी लो है, तो मैंने फिर बैटरी दूसरा लगा के गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। और फिर स्टार्ट जैसे ही मैंने ये बैटरी लगाया तो एक फॉल्ट मुझे समझ में आया और ये गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, स्टार्ट हो गई। और फिर मैंने स्टार्ट करने के बाद गाड़ी स्टार्ट रहने दिया और इसका जो वायर है ये दोनों वायर फिर खोल के मैंने वापस इसका पुराना बैटरी में लगा दिया। तो अभी देखिए ये गाड़ी की बैटरी जो है चार्ज हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बैटरी मतलब बार बार ख़राब क्यों हो रहा है? पहले का भी बैटरी ख़राब हुआ, दूसरा भी बैटरी जब इसमें लगाया तो चार्ज मतलब बैटरी लो हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैकेनिक को ये चीज़ें देखना चाहिए। तो इस बैटरी को उन्होंने लगा दिया और फिर बाद में भी यही समस्या आने लगी, तो मैंने इसका जो बीमारी है वो ढूंढ लिया है। तो इसमें जो बीमारी है सेल्फ रिले का है, सेल्फ रिले का है। जैसे ही मैंने इस बैटरी को लगाया, अभी मैंने जैसे इस बैटरी को इसमें लगाया तो गाड़ी का जो स्विच है वो ऑफ था, यहाँ से स्विच ऑफ था और ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर इस तरह की कंप्लेन होती है, स्विच ऑफ है और बैटरी यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, तो इसका मतलब है कि सेल्फ का जो रिले है वो शॉर्ट हो रहा है। और सेल्फ का रिले मैंने जैसे खोला तो मैंने बैटरी लगाया तो बैटरी अभी चार्ज भी हो रही है। और सेल्फ रिले के मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कार्बन बना पड़ा है, ठीक है, कार्बन बना हुआ इसके अंदर, ये बिल्कुल एकदम जल गया है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, या देख सकते हैं तो गाइस काला हो गया इस जगह। तो सेल्फ रिले का समस्या है इस गाड़ी में और सेल्फ रिले की वजह से ही बैटरी का जो सेल्फ का जो कनेक्शन वो डायरेक्ट हो जाता है, उसका बैटरी ऑटोमेटिक लो हो जाता है। तो अगर इसे चेंज कर देंगे तो इसकी बीमारी दूर हो जाएगी इस गाड़ी की, और भी कोई बीमारी नहीं है। चार्जिंग भी मैंने चेक कर लिया, मैंने नया बैटरी लगा के इसका चार्जिंग चेक कर लिया मल्टीमीटर के जरिए से, तो 14+ ये चार्ज दे रहा है। तो इसका मतलब है कि चार्जर इसका रेगुलेटर सही है। अब मैंने जब इसको लगाया, अभी देखिए मैंने इसमें एक OBD कनेक्टर लगाया है, तो इससे एक इसमें एरर कोड आ रहा है, मैं आपको वो भी दिखा दूं, क्योंकि इसका जो सेंसर ये जल रहा है। देखिए गाड़ी जब मैंने स्टार्ट किया तो ये सेंसर चेक इंजन जो लाइट है ये ऑटोमेटिक जला हुआ है। तो ये क्या चीज़ का जला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास एप्लीकेशन है पहले से अपलोड किया हुआ। अभी देखिए ये गाड़ी स्टार्ट है, कितना RPM ये गाड़ी चल रही है, ये 1300 के करीब या 1200 के करीब RPM में ये गाड़ी चल रही है। इंजन का जो स्पीड है ये 1200 के करीब में है अभी। अब इसका हम फॉल्ट ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो चेक इंजन लाइट जल रही है क्या चीज़ का लाइट है वो हम फॉल्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो मैंने फॉल्ट ढूंढ लिया इसका। तो स्टार्टर रिले सर्किट का हम बता रहा है, यानी कि मैंने जो इसका जो ये रिले खोल के रखा है तो इस रिले का भी सेंस, तो सेल्फ रिले खोलने की वजह से ये लाइटें जल रही हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं इसे खोल के रख दूँगा, ठीक है। अभी मैं खोल के रख दूँगा और इसकी गाड़ी की बैटरी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चार्ज हो गई होगी और ये किक के जरिए से स्टार्ट हो जाएगी। जब बैटरी चार्ज रहेगा तो गाड़ी को हम किक के जरिए से स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि सेल्फ के जरिए से। सेल्फ के जरिए से तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे जब हम इस रिले को लगाएँगे, और ये रिले तो अभी हमारे पास है नहीं। और अगर इस रिले को अगर हम लगाएँगे तो फिर ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये काम करने लगेगा, सेल्फ यूज हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट रहेगी और फिर इसके वजह से इसका जो बैटरी है वो फिर शुट डाउन हो जाएगा। तो बीमारी इसका सेल्फ रिले में है, ना कि बैटरी चार्जर में, ना ही कोई बैटरी में। बैटरी भी इसका यानी कि ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। चलो मैं बाइक को बंद करके फिर से चेक करता हूँ कि बैटरी चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी चार्ज हो गया है, मैं अगर हॉर्न बजाऊँगा तो हॉर्न भी काम करने लगा। और अभी हम किक के मदद से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए किक के मदद से ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसलिए स्टार्ट हो गई कि अभी बैटरी के जरिए से
इसका जो फ्यूल पंप है वो काम कर रहा है। अगर बैटरी हम खोल देंगे तो फ्यूल पंप काम नहीं करेगा और उसकी वजह से ना सेल्फ से हम गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं ना किक की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं कस्टमर भाई से कहना चाहूँगा कि इस रैली को आप चेंज करा लें, उसके बाद फिर सेल्फ यूज करें। अभी फ़िलहाल किक के जरिए से गाड़ी आप चला सकते हैं। तो गाइस कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है कि अभी कुछ देर पहले गाड़ी सेल्फ ले रहा था और अचानक अब सेल्फ नहीं लेने लगा, तो आपको ये समझना है कि कोई शॉर्टिंग की वजह से बैटरी लो हो गई है। तो इसलिए आपको ये सभी चीज़ें देखना चाहिए। सेल्फ रिले जब डायरेक्ट हो जाएगा तो उसके जरिए से सेल्फ ऑटोमेटिक चलता रहता है और इंजन भी घुमाता रहता है और अचानक बैटरी लो हो जाती है, तो कभी भी आपको इस तरीके से डायरेक्ट बैटरी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आपको फॉल्ट ढूंढना है, क्योंकि अगर बैटरी चेंज कर देंगे तो आप उसके ग्राहक के जो पैसे वो बर्बाद हो जाएंगे और आप भी उसका बीमारी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।